में लॉकडाउन सख्ती और इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता संजय डोंगर दिवे, इंदौर से विकास सिंह सोलंकी और जबलपुर से संवाददाता अरविंद दुबे जुड़ गए हैं और साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता दिलीप साकू भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आपके पास आऊंगी मैं कि नई गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के बारे में पहले दर्शकों को बताइए कि कितनी राहत और कितनी सख्ती रहेगी नई गाइडलाइन में। बिल्कुल अमनदीप, अगर मैं आपको बता दूं तो सख्त लॉकडाउन में जिस प्रकार की बात कही गई थी, पूर्व में भी ये बताया गया था कि जो सेकेंड लॉकडाउन है उसमें सख्ती बरती जाएगी, लेकिन आम जनता को कहीं ना कहीं इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं सरकार सख्ती बरत रही है लेकिन उन्हीं के लिए, सरकार ने सख्ती के रूप में साफ कहा कि अब घर से कोई बाहर ना निकले, क्योंकि 30 तारीख तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 30 तारीख तक अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें, जिससे ये चेन टूट सके। इसको लेकर अब इस जो 30 तारीख तक लॉकडाउन है उसको सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। अब अगर हम देखें राजधानी की बात कर लूं तो राजधानी के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, अब किसी को भी आवक जावक के लिए परमिशन नहीं रहेगी, और अगर कोई भी फालतू घूमता दिखा 30 तारीख तक, यहां तक कि अगर किसी ने मॉर्निंग वॉक करने की बात करी जाए या कहीं घूमने की बात करी जाए या सब्जी लेने तक की बात करी जाए, यहां तक उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने बस छूट जरूर दी है कि जैसे किसी को सब्जी लेना है या किसी के किराने के सामान लेना है तो उनके घर टू होम डिलीवरी करने की एक बात जरूर कही है कि उनके लिए छूट रहेगी, लेकिन सरकार ने इस बार का जो लॉकडाउन है 30 तारीख तक के लॉकडाउन में बिल्कुल ये कह दिया है कि अब कोई भी घर से बाहर ना निकले, तभी ये चेन टूट पाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा कल जब ग्रामीण क्षेत्रों के जो बात आई थी कि कलेक्टरों से चर्चा की, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब 30 तारीख तक के लिए लॉकडाउन की बात करी जा रही है कि 30 तारीख तक किसी भी प्रकार से किसी को भी जबरदस्ती बाहर ना निकलने दिया जाए, जिससे ये कोरोना जो महामारी फैलती जा रही है इसकी चेन टूट सके और लोग इससे अपना जीवन बचा सके। लेकिन रामनदीप, देखने वाली बात यही है कि अभी भी लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब वो बाहर क्यों निकल रहे हैं, क्या कारण है। कई जगह देखा जाता है ये अभी भी पुलिस के बोले जाए या शासन प्रशासन ने जो आदेश किया है या निर्देशित किया है उनका आम जनता पालन उस तरीके से नहीं कर रही है कि लोग बाहर घूमने निकल रहे हैं, कहीं झुंड में खड़े हो जाते हैं, और खासकर युवाओं में ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई है। राजधानी में भी कई युवा, पहले के मुकाबले देखा गया है कि लोगों में पहले से ज्यादा डर बढ़ गया है, और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि कोरोना काफी हद तक कंट्रोल होगा, अब फिर से लोग बाहर निकलने में कतराने लगे। आपने सही कहा कि लापरवाही तो है ही, पर पहले से ज्यादा डर जरूर लोगों में देखा जा रहा है। इंदौर का हाल जान लेते हैं, विकास जुड़े हुए हमारे साथ में। विकास, लगातार हम देख रहे हैं शुरुआत से ही इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्या कुछ ताजा हालात देखे जा रहे हैं इंदौर में? जी अमनदीप, निश्चित रूप से जिस तरह से इंदौर शहर के अंदर लगातार संक्रमण पेड़ पसार रहा है, लगातार जो है लापरवाही देखने को मिल रही थी, लेकिन इंदौर कलेक्टर द्वारा साफ निर्देश दिया गया है कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरते हैं, सड़कों पर बेवजह घूम रहे, उसके बाद आज से इंदौर शहर के अंदर मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं कि जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उसके बाद पुलिस और नगर निगम और प्रशासन की टीम उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सिटी बस भी लगाई गई है, जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें सिटी बस के अंदर अस्थायी जेल के अंदर रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर के अंदर एक बार फिर प्रशासन सख्त हो गया, और 30 अप्रैल तक की बात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा कही गई है कि जो लोग बेवजह घरों से निकल रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन उन्हें सख्त कार्रवाई के लिए उन्हें अस्थायी जेलों के अंदर भी रखा जाएगा। जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस भी लगातार मांग करता हुआ आया था कि इंदौर शहर के अंदर किस तरह की सख्ती नहीं दिख रही है, लेकिन आज से एक बार फिर इंदौर का प्रशासन, जो पुलिस है, नगर निगम है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने मैदान संभाल लिया है और बेवजह घूमने वालों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन लोगों बेवजह घूम रहे हैं, जिन लोगों के पास आने जाने का कोई कारण नहीं है, उन्हें रोका जा रहा है, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अगर वैक्सीनेशन को लेकर या जो जरूरी अस्पतालों के लिए जा रहे हैं उन्हें ही जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो व्यक्ति बेवजह सड़कों पर तफरी करने के लिए घूम रहे हैं उन्हें अस्थायी जेल के रूप में सिटी बस के अंदर रखा जा रहा है। तो एक बार फिर जिस तरह से संक्रमण की दिशा देखी जा रही थी, लगातार संक्रमण जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ और इसकी जरूरत पर विकास, अभी जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इंदौर से, आपके पीछे बड़ी मात्रा में जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, देखकर लगता नहीं कि इंदौर में यहाँ पर वाकई में लॉकडाउन लगाया गया है क्या? इसका कारण यही है कि पहले कुछ दिनों हमने देखा कि सरकार और जो प्रशासन है वो अलर्ट नहीं था, तो लोग लापरवाह बने हुए थे, इसी के चलते बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हुए हैं।
उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात इंदौर मनीष सिंह कलेक्टर द्वारा की गई है। वहीं इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने जो किराना और सब्जी की जो दुकानें थी उनकी जो शाम 4 बजे की जो छूट दी गई थी उसे दोपहर 12 बजे तक ही कर दिया गया। हालांकि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति रहता है उसी सब्जी की दुकान पर या उसी किराना की दुकान से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है, अगर दूसरी कॉलोनी के अंदर भी जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वही इंदौर शहर की जो कॉलोनियां हैं, पर विकास अब यहाँ पर प्रशासन काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जनता भी इसको लेकर काफी हद तक अवेयर हो। अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर बात जबलपुर की करें तो लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी देखी गई और साथ ही लोगों में अवेयरनेस की भी कमी अभी तक बनी हुई है। क्या कुछ ताजा हालात है जबलपुर में? देखिए, जिला प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, जनता कर्फ्यू कहने, लॉकडाउन कहने, कोई भी नाम दे ले, बंदिशें हैं, लेकिन उन बंदिशों को पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। जिनके वक्त यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जबकि आज छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो तय प्रोटोकॉल के तहत जहां पर अंतिम संस्कार, जहां पर शवों का होना है, वहां पर जो शवों का जो ढेर लग रहा है और वहां पर जो वेटिंग लग रही है उसको देखकर लोगों में डर जरूर समा रहा है और लोग अब डर रहे हैं। जिला प्रशासन की कड़ाई से नहीं बल्कि कोरोना का भय अब उनके अंदर बैठता चला जा रहा है। इस वजह से लोग अब ज्यादा भीड़ लगाने में उतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं और सड़कों पर भी अब धीरे धीरे ये भीड़ कम होती जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी सख्तीपूर्ण रवैया अपनाया नहीं है, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि यदि ऐसी बात लोगों ने नहीं मानी और सड़कों पर निकले तो इसके बाद पुलिस सख्ती बरतेगी। लेकिन फिलहाल अभी तो ये कहा जा सकता है कि उतनी बात लोगों के दिल में पूरी तरह से समाई नहीं है। लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। बाकी तरह की परेशानी, जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कोरोना के चेन को तोड़ना वाकई में नामुमकिन जैसा है। हमारे साथ में दिलीप साहू भी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। दिलीप, रिकवरी रेट पहले से काफी हद तक बेहतर हुआ है, हालांकि जो आंकड़े हैं वो भी बड़े हैं, तो उनसे भी छत्तीसगढ़ का हाल जानेंगे। संपर्क टूट गया है दिलीप का हमारे साथ में। संजय, आपके पास में आऊंगी कि जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार हम बात कर रहे हैं और कई जगह के हॉस्पिटल की तस्वीरें भी हमने कवर की, लापरवाही भी देखी गई, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी भी देखी गई, हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, तो क्या कुछ इंतजाम देखे जा रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे? बिल्कुल अमनदीप, अगर यहाँ देखा जाए तो सरकार एक अकेले मेहनत कर रही है कि सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जरूरतें जो आम आदमी के पास जानी चाहिए या कोरोना के पेशेंटों के पास होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं अभी भी कम पड़ रही है। ऑक्सीजन की बात करें तो कई जगह ऑक्सीजन के लेकर आपूर्ति में थोड़ी सी देरदारी भी हो रही है, वहां पर ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके लेकर भी कई अस्पताल प्रशासन अभी भी सकते में है कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश राजधानी पे कलंकना लग जाए, उसको लेकर भी बड़ी शक्ति से जो एसडीएम है, संयुक्त कलेक्टर है और क्षेत्र के तहसीलदार वगैरह, ये सभी लोगों ने अब इसको कमर कसके मैदान में उतरे हैं और जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको जब्त करने की कार्रवाई तक शुरू कर दी है। जिन्होंने मना किया उनके ऊपर अब ये कह लिया जाए कि प्रशासन ने डंडा चलाकर उनसे कल 700 सिलेंडर जब्त करे हैं और वह अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। वहीं बात कर ली जाए, प्रशासन ने जिस प्रकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी की बात आ रही थी तो कई अस्पतालों में अभी भी बेड की कमी जरूर है, लेकिन ये है कि अगर आप चले जाए और अति आवश्यक जिसको है उसको कहीं ना कहीं अस्पतालों में जगह तो मिल रही है, लेकिन कहां कैसे ये अभी तक किसी के पास गाइडलाइन नहीं है और ना ही किसी आम जनता के पास ये जानकारी है कि ऑक्सीजन का बेड अगर उसे चाहिए तो कैसे मिल पाएगा। क्योंकि आप किसी भी अस्पताल में फोन लगा लेंगे अमनदीप, तो अमनदीप वहां से आपको एक तो फोन उठाएगा नहीं और उठाने के बाद अगर उठता भी है तो वहां से जानकारी सही मिलती नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करी जाए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सरकार ने कई गाइडलाइन चालू बनाई है कि अब एसडीए कलेक्टर के थ्रू ये रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल तक पहुंचाए जा सकते हैं। संजय, मैं आऊंगी आपके पास से वापस। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में दिलीप साहू जुड़ गए एक बार फिर से। दिलीप से एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। विकास, आपके पास में आऊंगी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देखी जा रही है और उस बीच कई सारे जिलों में यह भी देखा गया कि जो वैक्सीनेशन है उसमें भी काफी हद तक प्रभाव पड़ा है लॉकडाउन के चलते, तो इंदौर में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो
तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही है और क्या पहले की तरह ही वैक्सीनेशन का कार्य जारी है या वैक्सीनेशन के कार्य में यहाँ भी प्रभावित हुआ है? निश्चित रूप से अमनदीप, जिस तरह से टोटल लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो शहर के अंदर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को जो वैक्सीनेशन किया गया था, शुरुआत में वैक्सीनेशन महोत्सव के रूप में मनाया गया था, लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर गिरावट आई है। बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे थे वही कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे थे, और जो लोगों में रुचि थी, जो कोरोना का एक डर था, कई 45 साल की उम्र वाले लोग शुरुआत में महोत्सव के अंदर बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात की जाए, इंदौर में 50,000 से ज्यादा मरीजों का रोजाना टारगेट किया गया था, लेकिन वो टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हालांकि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति है उनके लिए वैक्सीनेशन को लेकर जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने कमर कस ली है, वो बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीनेशन की जाए, इसको लेकर प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, उन्होंने रणनीति बनाई और वैक्सीनेशन सेंटर जो है उनकी लगातार उनकी जो निरीक्षण है उसको अधिकारी द्वारा की जा रही है। कलेक्टर खुद वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन का शुरुआत होना है उसमें कहीं ना कहीं देरी ना हो, बड़ी से बड़ी संख्या में जो टारगेट अच्छी हुए वो इंदौर कर पाए, तो इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन 45 वर्ष की उम्र के अंदर जो लोगों में अरुचि दिखी है और लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से पहुंच रहे थे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बाद उसमें कमी देखी जा रही है। वहीं अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो शहर के अंदर लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमाते हुए नजर आ रही है। इंदौर के अस्पतालों के अंदर बेड की बात की जाए तो बेड यहाँ पर खाली ही नहीं है, मरीज जो है अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत भी इंदौर शहर के अंदर लगातार जो है देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो प्रशासन या राज्य सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, भले ही इंदौर के अंदर देवी अहिल्या से यहाँ पर जो राज्य सरकार के चार्टर्ड प्लेन है उनके द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की बात की जाती हो, संभागों में बांटने की बात की जाती हो, लेकिन इंदौर जिले के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसे जीवन रक्षक दवाई के रूप में काम में लाया जाता है उसकी अभी तक लगातार जो परिजन है मरीजों के वो भटकने पर मजबूर है। उन्हें यह नहीं पता है कि उन्हें कहाँ मिलेगा, अस्पताल वाले पर्चा लिख कर दे देते हैं, वो मेडिकल के अंदर भटकते रहते हैं, मेडिकल के अंदर भीड़ हो जाती है, लेकिन मेडिकल वाले कहते हैं कि हमें जो है अनुमति नहीं है इसकी बेचने की, हमारे पास इस तरह का इंजेक्शन नहीं आ रहा है। अगर अस्पतालों के मेडिकल पे जाते तो अस्पताल के मेडिकल कहते हैं कि हमें 50 या 100 इंजेक्शन मांगे थे, उसमें से 10 या 15 इंजेक्शन ही मिले, हम किसे दे, उसमें भी विवाद की स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने कोरोना की जो तैयारी की थी वो लगातार फेल होती नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी। विकास, में यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, अरविंद से जान लेते हैं। अरविंद, जबलपुर में छापेमारी भी हुई है रात को, तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया? और साथ ही हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कमी काफी सारा जिले और राज्यों में देखी जा रही है, तो जबलपुर में क्या कुछ हालात हैं? देखिए, ऑक्सीजन की कमी जबलपुर में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से संबंधित जितनी भी तकनीकी चीजें हैं वो उपलब्ध न होने की वजह से निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर समस्या बन जाती है। कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी, बेसिकली ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और जो ऑक्सीजन खाली सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन लाइन है और ऑक्सीजन बेड है उनकी कमी की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वेंटिलेटर को लेकर। इस वक्त जबलपुर के निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर पूरी तरह से भरे हुए हैं, कोई भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। ऐसे में मरीज जो घरों से आ रहे होते हैं बुरी स्थिति में, उन्हें तुरंत वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने की वजह से शहर में बहुत बुरी स्थिति है। यही स्थिति रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। सप्लाई लगातार हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, निजी कंपनियां लगातार अपने सीआरएफ एजेंट्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये इंजेक्शन भेज रही हैं, लेकिन कालाबाजारी, निजी अस्पतालों की मनमानी की वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है कि निजी अस्पतालों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई किया जाएगा, वहीं से मरीजों को लगाया जाएगा और वो शासन को उन्हें बताना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था तो बना दी गई है। मॉनिटरिंग ना होने की वजह से कालाबाजारी जबरदस्त तरीके से अभी भी चल रही है। कहने को रात में छापामारी हुई थी, लेकिन किसी भी रिटेलर के यहाँ या होलसेलर के यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन उन्हें नहीं मिला, कोरोना की कोई दवाई नहीं मिली, यानी कि सारे केमिस्ट जो थे वो साफ सुथरे नजर आए। कोई भी कालाबाजारी करता हुआ जिला प्रशासन को नजर नहीं आया है, लेकिन यदि किसी मरीज के परिजन से हम बात करें तो बराबर वो रोता बिलखता यही कहेगा कि हजारों रुपए ले लीजिए, एक इंजेक्शन कहीं से दिलवा दीजिए। हमारे पास ही सैकड़ों फोन पूरे समय आते हैं वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, लेकिन हम कहीं से मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कालाबाजारी का जोर इतना जबरदस्त है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अरविंद, और ये स्थिति तब है जब राज्य सरकार बार बार दावे कर रही है कि हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर मंगवाए जा रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं,
उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आना कई सारे सवाल खड़े करती है। संजय, आपके पास मैं आऊंगी कि लोगों की शिकायतें अब बढ़ने लगी हैं, जैसे कि कोरोना की जांच समय पर नहीं हो रही है, अगर जांच होती है तो उसके बाद कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं आती है, जब व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन के लिए किसी का कॉल ना आना, इलाज के लिए बेड ना मिलना, इस तरह की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लोगों की शिकायतें भी हैं, तो क्या इस क्षेत्र में भी कोई पहल की गई है? क्योंकि सरकार तो बार बार दावे कर रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हम बात करें, कल की मैं अपनी खुद की बात बताता हूं आपको कि कल ही मेरे पास एक कंट्रोल रूम से जरूर फोन आया था, उन्होंने ये जरूर कहा था कि आपसे डॉक्टर संपर्क करेंगे, लेकिन कल यानी 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है, अभी तक डॉक्टर ने संपर्क नहीं किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या आज जो सरकारी व्यवस्था है कैसी लचर हो गई होगी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि आज जब रिपोर्ट की बात आती है तो रिपोर्ट 6-7 दिन में आदमी के पास पहुंच जा रही है, जबकि उसका कोरोना में ही कहा जाता है 3-4 दिन में अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। ये जब तक रिपोर्ट ही नहीं मिल पाती है तो आदमी इलाज करे तो कैसे करे, उसका जब बिगड़ जाता है तो सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि आज अगर स्थिति बिगड़ी है तो सबसे पहले टेस्ट के ऊपर आरोप लग रहा है कि टेस्ट जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर राजधानी में बात करें तो सिटी स्कैन को लेकर भी जो बातें आ रही थी, सरकार ने जितनी सिटी स्कैन मशीनें भोपाल में है एक तो उनके रेट फिक्स जरूर कर दिए, लेकिन वहां पे भी भीड़ अति भीड़ है कि वहां पे भी नंबरों से नंबर लग रहे हैं, लोगों को एक्सरे की फिल्म मिल जाती है लेकिन रिपोर्ट उनको मिलने में 2-3 दिन लग रहे हैं। अगर अमनदीप यही देखा जाए तो सरकार की जो एक टेस्ट वाली और चीजें हैं, कई जगह तो टेस्ट किट खत्म हो जाती है तो टेस्ट नहीं हो पाते हैं। अभी कुछ सेंटर जरूर सरकार ने बनाए हैं, 1250 में 4 सेंटर बनाए हैं और हमीदिया में कुछ सेंटर बढ़ाए हैं। संजय, कहना गलत नहीं होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और यही एक कारण है कि जो लगातार मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, हालांकि सरकार फिर भी मौत का आंकड़ा छुपाने का पूरा प्रयास कर रही है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय बहुत शुक्रिया आपका। विकास सिंह सोलंकी इंदौर से जुड़े हुए थे, अरविंद हमारे साथ में जबलपुर से जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।